इस व्यक्ति का अपमान खत्म करना चाह रहा है। बोल रहा है कि रूपक शादी मुझसे करा दो, सब बात खत्म हो जाएगी। नहीं भैया, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी भैया। रूपा, तुझे तो करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगी भैया। देख रूपा, आज तक तूने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा है। भैया आप चाहे जो भी कर डालिए, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। नहीं करेगी, नहीं, नहीं करेगी। कहती है नहीं करूंगी। बताओ, इतना बड़ा 40 किलोमीटर रवि तक मालिक है मेरा दोस्त, क्या कमी उसमें है? मैं जब कह दी भैया मैं उससे शादी कमीने से नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। देख, ये जिंदगी तेरी नहीं है, ये जिंदगी मेरी है। मैं जहां चाहूंगा वहां तेरा शादी होगा। दरबारी ले जा इसको, अंदर बंद कर दे। दिली बे तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंदिया के पूजा करूंगी तेरी। दरबारी इधर आ रहे हैं। इतनी खुशी मुझे जिंदगी कभी नहीं मिले थे। बताओ, मैं जिस दोस्त के पास नौकरी कर रहा था, आज उसके मैं पूरी संपत्ति का मालिक होने जा रहा हूं। कहन कहन, अरे बताओ, ऐसी खुशियां कौन जाने देगा? अरे भाऊ, ऐसा खुशी कहाँ मिली? अरे भाई, जब अपन बहनियां बेच देवे, साले मैं शादी कर रहा हूँ परंपरा के हिसाब से। अच्छा अच्छा, तो और क्या? ठीक है, बुढ़ा है, अबे बुढ़े से नहीं मतलब है, उसके संपत्ति से मुझे मतलब है। तुझे तेरा तनख्वाह दुगना बढ़वा दूंगा, टेंशन मत लेना। चल रहा हूं मैं। अरे रथ पे ठिसिया जानकी शरण शरण गुहार, अरे रथ पे बैठी सिया जानकी शरण शरण गुहराई, जो कोई जोधा तीन लोक में अरे रथवा से लेते ही छोड़ाई रथवा।
मैं अपने दोस्त की बहन को अपने चाल में बजा लिया हूं, मैं अपने दोस्त को बजा लिया हूं। और रामु किसान का लड़का है जो, अगर उसको अरे चाल में नहीं जाओ तो मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह रही है। जब मैं रात दरबार में आता हूँ साला ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। क्या अरे काम कहो, ठीक है दरबारी, आप देख चलता हूँ इंस्पेक्टर के पास, जो रामू किसान का लड़का है उसके नाम रपट लिखाऊंगा, वो साला जेल में खटेगा। और मेरे दोस्त की बहन जो मदन सिंह के है, मैं उससे अपनी शादी करके ऐसो आराम करूंगा। चलता हूं। अरे कटी गई लई गेहुआ, अरे मोमारी भइले धानवा, गोरी गईली नहीं हरे, अरे गोरी गईली नहीं हरे, चुचुकी गई नहीं गाल। नमस्कार, हाँ साहब, क्या बात है? अरे बात मेरी सुनो, अरे साहब यही बात की मैं अरे सुन लीजिए, रामू का लड़का जो है, अरे सुनो साहब जी, घर में मेरे डकैती पड़ा हो यहाँ, साहब अरे रामू किसान का जो लड़का है मेरी हवेली में डकैती डाला, 50,000 नगद ले गया और एक चैन ले गया और एक राइफल ले गया। इतना बड़ी डकैती ठाकुर साहब, एक काम करिए आप, कहिए साहब, पहले उसके नाम से आप रपट लिखवाइए। हाँ लिखिए साहब, इसके बाद अगर करना होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है साहब, लिखिए। हाँ। साहब ये चौकीदार है आपका, आप साहब की चौकीदार है, लिखिए। रामू किसान का लड़का मेरी हवेली में डकैती डाला, मैं डकैती डाला, 50,000 रुपया नगद ले गया, 50,000 और कहां रखता, और ये नहीं जानते हो मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह है, अगर 50,000 नहीं रखता, क्या नहीं रखता, 50,000 1,00,000 2,00,000 4,00,000 रख सकता हूं, अरे ठाकुर विक्रम सिंह हूं ना, अरे इतना रखने की जरूरत है, लेकिन आप बकवास करेंगे कि यार अपन लिखेंगे। अरे दादा घर ना थाना अब बंद करके ना मारा 50 वही ठीक हो जाएगा। लिखिए लिखिए लिखिए, अब चौकीदार है ना, लिखिए
50,000 रुपया नगद, एक चैन। अरे बदतमीज, साइकिल का नहीं है, गले में पहनने वाला चैन, सोने का चैन। एक चैन ले गया है? और एक राइफल। लाल फल? अरे लाल फल नहीं, राइफल। राइफल ऐसी बंदूक। हाँ ये राइफल है। राइफल लाइसेंसी रहल कि प्राइवेट रहल? अरे लाइसेंसी है। चरौवा ना रहल? नहीं। और बस मुझे मारने की धमकी दिया था। और मुझे मारने की धमकी दिया का कहले? अरे हरामजादे, मैं लेकर जा रहा हूं, अगर मुझसे ज्यादा बोलेगा मैं तुझे जान से मार दूंगा। जान से मार देगा? अरे वो कहा हो रामू किसान का लड़का? जान से मार दूंगा। ठीक है ना? खर्चा बर्चा दो। अरे खर्चा बर्चा मिल जाएगा? मिल नहीं जाएगा, आपके बाप की नहीं गाड़ी है क्या? वैसे ही थोड़ी जाएंगे हम लोग, तेल डाल के। अरे मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिल नहीं जाएगा, लाओ जी। मिलेगा साहब, इधर आओ, मैं जा रहा हूँ, उसको तुरंत पकड़ना। अब अहम कहाँ पूरा भयल है, वही तो। अरे साहब सुनिए, इधर आओ, दे दूंगा, ये काम होने के बाद दे दूंगा, जरूर दूंगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ साहब। नमस्कार। नमस्कार। तो हंसी ज्यादा चलाक लग रहा है ठाकुर, तो बहुत चलाक लग रहा है। अच्छा साहब ये बताओ, 50,000 नगद रख ले घर में, का जरूरत रहा है? इसके बाद से कुछ समझ में आ रहा है? हाँ साहब, मजे मौके तो मजे करो। अच्छा एक काम करो, चलो एक बार चलते हैं उसके घर, जो भी सच्चाई होगी वहां मालूम हो जाएगा। ठीक, चलिए सर। चलो काम करो, अंदर पता करो कोई है। ठीक सर। बोलो भाई। अरे हम दार चौकी हैं। दार चौकी में बोलते हैं, चौकीदार। हाँ हाँ वही, आने से आए, इधर आओ, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है भैया? अरे साहब से मिलिए। रोका जी साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए सर, कैसे आना हुआ हमारे घर पे? नाम क्या है? सर मेरा नाम रतन सिंह है, मैं रामू किसान का बेटा हूँ। अच्छा, अच्छा। जी हाँ, रामू किसान का बेटा हूँ। जी हाँ साहब। अच्छा तो ये बताओ तुम करते क्या हो? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करने के छोड़ दिया हमने, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ उस समय मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, मजदूरी करके कमाता खाता हूँ, माँ को खिलाता हूँ। अच्छा अच्छा। जी हाँ सर। रात में क्या करते हो? सर मैं ये नहीं जानता हूँ, रात में मैं अपने घर पर सोता हूँ खा पी करके। सही बता साले, सोते हो? नहीं भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं चोर दिखाई दे रहा हूँ? देख सच सच बता दे साहब, मैं सब कुछ करना आता है, सच से बता क्या? सर मैं सही कह रहा हूँ, मैं चोर डाकू नहीं हूँ, मैं किसी का घर डाका नहीं डालने गया हूँ।